दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ साउथ कोरिया कुछ नया जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। मेरे पास कुछ नया जॉब वैकेंसी आया है साउथ कोरिया से। वो कौन कौन सा जॉब है, क्या जॉब कैटेगरी है, इसमें सैलरी क्या मिलेगा और इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस का ज़रूरत है या नहीं है, साथ में आपको लैंग्वेज का चाहिए कोरियन लैंग्वेज का ज़रूरत है नहीं है, और आपको कंपनी कितना सैलरी देगा और इसमें आपको कंपनी फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन इसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते आज का वीडियो। जो जॉब वैकेंसी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा वो सारा जॉब वैकेंसी मेरे पास कोरिया से आया है। मेरा जो कोरिया में रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मेरे को सारा जॉब डिटेल्स भेजा है। लेकिन अगर आप ये जॉब वगैरह करना चाहते हो, ये जॉब करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इंडिया से पहले साउथ कोरिया जाना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा पे या बिज़नेस वीज़ा पे। कोई भी वीज़ा पर आपको उधर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो उधर इंडिया कोरिया में कन्वर्ट हो जाएगा जीवन कार्ड पे, तभी आप ये काम कर सकते हो। हम जो काम करते इधर से आपको कोई वर्क परमिट पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडियन को कोई भी वर्क परमिट जो जनरल कैटेगरी का वर्क परमिट है वो इंडियन को नहीं मिलता है। इसलिए आपको चाहे इंडिया से या तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाना पड़ेगा या तो आपको बिज़नेस वीज़ा पे जाना पड़ेगा, तभी आप ये काम वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास जो पहला जॉब वैकेंसी है वो एक फार्म वर्क का जॉब है। आपको भी पता है कोरिया में बहुत सारा फार्म वर्कर का ज़रूरत है, उसमें बहुत सारा सैलरी भी अच्छा मिलता है और काम भी बहुत अच्छा है। इंडिया जैसा वो फार्म जो होते हैं वो खेती का काम है वो इंडिया जैसा नहीं होता है। कोरिया साउथ कोरिया के अंदर खेती का काम कुछ अलग टेक्निक से होता है, तो उधर फार्म वर्कर चाहिए। इसमें दोस्तों आपको ना एक्सपीरियंस का ज़रूरत है ना आपको कोरियन लैंग्वेज का ज़रूरत है। अगर आप ये काम करना चाहते हो, इसमें सिर्फ ज़रूरत होगा तो आपका जो जीवन कार्ड है या तो कोई लॉन्ग कैटेगरी का आपका वीज़ा का ज़रूरत होगा, तभी आप ये काम कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जो ड्यूटी आवर्स है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ड्यूटी है, मतलब मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 5 PM तक आपको इसमें ड्यूटी करना पड़ेगा। और वीकली 1 डे इसमें ऑफ है। साथ में कंपनी आपको फूड एंड एकोमोडेशन दोनों ही आपको कंपनी इसमें प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको रहने खाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं होगा। और इसमें कंपनी आपको जो सैलरी प्रोवाइड करेगा वो है 26 लाख कोरियानोन, मतलब 26 लाख कोरियानोन आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है लगभग 1,66,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। अगर 26 लाख कोरियन उनको आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो वो बन जाता है 1,66,000 रुपीज़। ये दोस्तों कोई अच्छा खासा सैलरी है। दोस्तों ये एक बढ़िया सैलरी है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि कोरिया में जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग का काम है उसमें इतना अच्छा सैलरी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही साउथ कोरिया का वीज़ा ओपन होगा टूरिस्ट या तो बिज़नेस, जैसे वीज़ा ओपन होगा तो आप लोग अपना वीज़ा लगा के साउथ कोरिया जाकर ये काम वगैरह कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास जो दूसरा जॉब वैकेंसी है वो एक फर्नीचर फैक्ट्री का। अगर आपको फर्नीचर फैक्ट्री में कोई एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा है, अगर एक्सपीरियंस ना है तो आप उधर जनरल हेल्पर का काम भी उसी फर्नीचर फैक्ट्री में कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो ड्यूटी आवर्स है वो मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको इधर ड्यूटी करना होगा। इसमें आपको वीकली 1 डे ऑफ मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको जीवन कार्ड का ज़रूरत है, कोरियन लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है और आपको एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस आपका है फर्नीचर का काम का तो आपको सैलरी उधर ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो 23 लाख कोरियानोन सैलरी है। अगर इस 23 लाख कोरियानोन को हम कन्वर्ट करते इंडियन करेंसी में तो वो हो जाता है 1,47,000 कोरियानोन। दोस्तों इसमें कंपनी आपको फूड प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। ये भी अच्छा जॉब है, अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आप ये काम वगैरह कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास जो थर्ड जॉब वैकेंसी आया है वो एक स्टायरोफोम फैक्ट्री का जॉब है। दोस्तों इसमें आपको जो ड्यूटी आवर्स है वो मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपका इसमें ड्यूटी है। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है ना आपका कोई लैंग्वेज का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो भी आप ये काम कर सकते हो, ये एक जनरल हेल्पर कैटेगरी का काम है।
और इसमें कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करेगा, मतलब एकोमोडेशन कंपनी फ्री में प्रोवाइड करेगा, लेकिन फूड कंपनी इसमें प्रोवाइड नहीं करेगा, फूड अपना होगा। और दोस्तों इसी कंपनी में जो सैलरी प्रोवाइड करेगा वो लगभग 28 लाख कोरियन वोन है, 28 लाख जो कोरियन वोन सैलरी है वो लगभग इंडियन करेंसी में हो जाते हैं 1,79,000, मतलब आपको 1,79,000 इंडियन रुपीज़ में सैलरी आपको मिलेगा। दोस्तों ये जो सारा जॉब डिटेल्स मैं आप लोगों को बताया, ये कोई वर्क परमिट नहीं है, ये जो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको इंडिया से जाना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा पे, पहले साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो जीवन टूरिस्ट वीज़ा है वो जीवन कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आप ये काम वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कोरिया जाना चाहते हो तो नीचे जो मिस्टर रॉबिन अरोड़ा का नंबर दिया हुआ है उसी नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और दोनों ही केस में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।